इधर इंडिया है, भारत का हिस्सा है, और इधर अपना लोग, ये रोड आ गया नेपाल का, सामने जिस रोड पे चल रहे हैं सब नेपाल है। इधर इंडिया में स्वागत है, इधर नेपाल में स्वागत है। यहाँ पे भीड़ भी काफी है। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू द रजक, दिस इज योर भाई चंदन रजक। फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज आप लोग को लेके चल रहे हैं हम नेपाल। नेपाल में लेके चलेंगे हिलैसी बाबा के पास, वहाँ भोले बाबा से दर्शन करेंगे, फिर उसके आगे कोशिश करेंगे काठमांडू भी जाने का। कोशिश क्या करेंगे, प्लानिंग तो किए हैं, लेकिन अगर दोस्त वगैरह चलेगा फिर चलेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग हैं नेपाल बॉर्डर के पास, यहाँ पे कस्टम ऑफिस के पास सिरहा में, जगह का नाम है मार्डर सिरहा। यहाँ पे कस्टम ऑफिस है, उस साइड वो कस्टम ऑफिस है, यहीं से गाड़ी का भंसार, एक्चुअली नेपाली भाषा में होता है कस्टम को बोलते हैं भंसार। इंडिया का गाड़ी उधर लेके जाइएगा नेपाल में तो उसका चार्ज लगता है, वही कटाने के लिए गया है। आता फिर आप लोग को बताते हैं कि भंसार में कितना रुपया लगा। फिर तो फ्रेंड्स अपना भंसार हो गया, देखिए इधर 750 रुपया लगा है, मतलब एक दिन का 150 रुपया, पांच दिन का कटाए हैं, भंसार हो गया। भंसार बोले तो कस्टम हो गया अपना गाड़ी का, यही गाड़ी है जिक्सा। अभी भाई साहब लाइन में थे, चलिए मिलते मिलाते हैं 2 किलोमीटर बाद। काहे कि यहाँ नेपाल में उस समय से वीडियो नहीं कर रहे थे, काहे कि वहाँ पे अलाउड नहीं था, नहीं तो फोन वोन रख लेता तो भी दिक्कत था, तो आगे का भी जो भी वीडियो शूट हुआ वो सब भी चला जाता। हाँ तो फ्रेंड्स इसका हवा हो गया था कम, इसलिए यहाँ पे हवा दिला रहे। कौन सा जगह? हिम नारायण चौक सिरहा में आए हैं, यहाँ पे हवा लगा कम है तो हवा दिला दे रहे हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आप लोग को डायरेक्ट सीन दिखाएंगे, पहाड़ी इलाका का कब आता है वो भी बताएंगे। 1 बजे के आसपास हम लोग सिरहा बॉर्डर क्रॉस किए हैं, मतलब वहीं पे 2 से 3 घंटा के आसपास तो लग गया वो कस्टम ऑफिस के आसपास। तो फ्रेंड्स अब एंट्री करने वाले अपने लोग पहाड़ में, सामने देखिए पहाड़ दिख रहा होगा, नजदीक आ गए हैं, चैया नाम का है तो चौक पीछे क्रॉस किए हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ठंडा ठंडा हवा चलने लगा है थोड़ा थोड़ा, अब मजा आ रहा है, धूप का असर अब नहीं हो रहा। इधर सामने कटारी नगर पालिका में आपका हार्दिक स्वागत है, मतलब नेपाली में लिखा था, हम आप लोग को हिंदी में बता देते कि पहाड़ उधर कटा है ना, रोड बहुत ही बोले तो बहुत ही बेकार, बहुत इतना ज्यादा खराब है ना भाई, पैदल नहीं चल सकते। फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कटारी, टाइम हो चुका है 3 बज चुका, चलेंगे हिमगंगा में अभी करेंगे हम लोग भोजन, अलेसी के लिए आगे बढ़ेंगे, फिर पहले चलते हैं अंदर खाना खाते हैं फिर। इधर देखिए सारे लोग लगे पड़े, हम मेरा थाली इधर है, कोची कोची है भात दाल, एक नंबर है खाना। तो फ्रेंड्स अपने लोग खाना खा के निकल चुके हैं कटारी से, आगे आगे का स्टॉपेज का कुछ पता नहीं है, जो भी होगा बताएंगे, ताकि हम लोग, हमको एक्चुअली कुछ पता नहीं, सब जहाँ लेके जा रहा है ना, सब बाइक वाले आगे दो पीछे एक है और एक हम है, सब आप खाना उना खा लिए तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं गाड़ी में बैठ के। कभी किया गाड़ी पे बैठ के रेस्ट? नहीं किया तो देखिए कैसे रेस्ट करते हैं। मोबाइल बंद करना है, जेब में रखना और बैठ जाना आराम से, बस यही होता है लोग खड़े। चलिए अब चलते हैं आगे, फिर आगे अपना रोड वैसा ही ऑफलाइन, देखिए ऑफलाइन बोल रहे हैं, मतलब ऑफ रोड ऑफलाइन बोल, ऑफ रोडिंग का मजा पूरा यहाँ नेपाल में मिल रहा, तन को कोई दिखते न है। तो फ्रेंड्स अपने लोग इधर आके देखिए अपना ग्रुप वहाँ पे रुका हुआ है, सब अपना फोटो शूट करा रहे हैं, हम भी सोचे आप लोग को जरा दिखा दे। कटारी से जो भोजन करके चले, भोजन किए उसके बाद चले, लगभग 3-4 पहाड़ क्रॉस किए, उधर से ही आए अपने लोग, उस साइड से पानी चमक रहा है, जो रास्ता देख पा रहे होंगे आप लोग, वहाँ वो जो रास्ता है उसी रास्ते से होके ऐसे ऐसे टर्न होके बहुत सारे पहाड़ चढ़ के इधर आए। फ्रेंड्स यहाँ का व्यू कैसा है कमेंट करके बताइए, यहाँ तक वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो अभी तक लाइक कर दिए होंगे, नहीं कमेंट करके बताइए कौन सा व्यू कीजिए, ये बोल रहा सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए। रास्ता यहाँ का देख रहे हैं ना, रास्ता का देख रहे हैं, वो तो दिखाइए दिए आप लोग को, बस ऐसा ही है। वाह बहुत जर्किन है, अरे मैयो के मैयो, हालत खराब हो गया दोस्त, बहुत ऊपर ऊपर धर है, सब दुकान कैसे जाता होगा, हमको टेंशन, दुकान कैसे जाता होगा, 1 लीटर दूध घट गया, मेहमान आ गया, बादल में घुस गया, कितना फीट ऊपर आ गए होंगे पता नहीं, हाँ ठंड लग रहा फ्रेंड्स, अब तो नीचे दिखियो नहीं रहा है यहाँ से, लिखा हुआ देखिए कहाँ आ गए गर्मी के मौसम में। आगे जितना छोटा छोटा लाइट नजर आ रहा है सब बाइक है, बिना लाइट का इधर ठोका उका जाएगा, ओवर हीट हो गया इसका डिस्पैच, देखिए यहाँ का देखिए नजारा, नीचे धूल के, अब धुंध खत्म हो गया तो थोड़ा थोड़ा धूप भी आ रहा है, अब कते पड़े खींचे क्या कह रहे हो,
ये मेरा गांव है। हाँ जान सके, ये मेरा घर है। आप जो ये देख रहे लाल वाले, अच्छा वो जो वहाँ झोपड़ी दिख रहा ना, यही मेरा गांव है। वही वो गांव है, उसके बगल वाला घर रोज देख रहे ना, यही जाना है। वो रोड नहीं है, हो ये रोड है। रोड है जी, रोड हमको लगाना है। आप यहाँ से कूद के देख सकते, आपका गांव है, पूछेंगे ना, आपका गांव है तो आपसे पूछेंगे ना। अभी कहाँ पे है वो तो प्रॉपर जगह का नाम पता नहीं है, लेकिन यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, इसलिए यहाँ पे हम लोग रुक गए हैं। सारे लोग यहाँ सब अपना अपना फोटो शूट करा लिए हैं। देखिए यहाँ का नजारा इतना लाजवाब है ना। आ गए मेरे भाई साहब, हेलो, जरा आप भी कुछ बोलिए। हाँ बहुत दूर से आए देखने के लिए। क्या हुआ सर? फ्रेंड्स इनको पाई मिला, अपना किराया वही मिला। इधर से रास्ता देखिए बड़ा यूनिक है, उधर से इतना डाउन जाना है, देख रहे हैं ना, उधर वो रास्ता पकड़ के आराम से अपने लोग को निकल जाना है। फ्रेंड्स अभी मेरा बाइक चल रहा है ना, ऑफ है, न्यूट्रल करके ऑफ कर दिया है। ढुलकानी में ऐसे ढूल जाएंगे नीचे, इसलिए ब्रेक दब दब के चलाना पड़ रहा है। ड्राइविंग कर रहा है, आप लोग इंजॉय कीजिए। काहे बंद हो गया, चढ़ाने आ गया था इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। फिर बंद कर, फिर बंद कर दे रहे हैं, न्यूट्रल कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, घर देख के ना हमको दार्जिलिंग का याद आ रहा, दार्जिलिंग वाला पूरा फीलिंग आ रहा, लेकिन हम हैं इंडिया से बाहर। अरे कलचों पे इतना स्पीड धर लेता है, गाड़ी बंद होने के बाद 80 पे भाग जा रहा है। अभी अपने लोग आए इस रास्ते से, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये झरना है, वाटरफॉल है। यहाँ से पहाड़ में तो पानी गिर रहा है, तो सोचते बोतल उतले, थोड़ा मुँह कान अभी धो लिए हैं, और यहाँ पानी भर रहा है अपना रोशन। देखिए इधर, देखिए इधर पानी भर रहा है। कैसा मजा आपको, कैसा पानी है भाई? ठंडा ठंडा हम पी चुके हैं पानी, एकदम बड़ा लाजवाब टेस्टी है। बिना कल का, बिना नल जल का यहाँ पे जल रहा है जल, ठीक है। नीतीश कुमार का नहीं, नेपाल है भाई, नेपाल है। नीतीश कुमार यहाँ क्या करने आएगा? लाजवाब आ रहा है पानी, मजेदार है। इधर का देख लिए व्यू, बड़ा लाजवाब। और एक तो वहाँ पे गुफा है, लेकिन अंदर जाना है लौटने बंद है, और लेट भी हो रहा है, तो चलेंगे अब यहाँ से। ये भी नजारा यहाँ पर का भी बहुत अच्छा हमको लगा। कुछ करना जाता है? हाँ भाई साहब, लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल के, एकदम हुरमच के, एकदम हुर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते आगे। फ्रेंड्स अभी हम लोग घुड़मी के पास है, मतलब घुड़मी बोले तो घुड़मी, इस जगह का नाम है घुड़मी। हाँ घुड़मी, उदयपुर नेपाल, राजस्थान वाला उदयपुर मत समझ लीजिएगा। ब्रिज बना है लाजवाब, ब्रिज देखिए लाजवाब ब्रिज है। ब्रिज पे सब फोटो शूट कर रहे हैं, गजब। कितना ज्यादा रेस चल रहा है इसमें, अगर फंस गया कोई भी धोबी हो, कोई भी तैराक हो, कोई भी धोबी हो, कितना बड़ा तैराक हो, वो लपटा जाएगा इसमें। नेपाल कैसा लग रहा है कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। हरकपुर अपने लोग अभी घुस रहे हैं, ठीक है। हरकपुर वेलकम टू ओकाला दुंगा, ओखला दुंगा, ओखला ओखला नहीं ओकाल दुंगा। क्या था फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ना, इधर से पहाड़ पे से आता है पानी ऊपर से, और इधर अरे भाई भाई, इधर से पूरा पानी पुनी इधर से आता है, और इस साइड रोड रोड अभी इधर पानी पे, पानी वाला ही रास्ता पे अपने लोग क्रॉस कर रहे हैं, और इधर चला जाता है तो हमने इधर देखिए मंदिर है, क्या नेपाल में रोडो रोडो पे मंदिर नजर आ जाता है। लेकिन एक चीज देखे, रोड रोड पे भी अभी बीच रोड पे एक जगह पे विश्वकर्मा बाबा का बीच में छोटा था मंदिर था, भाई गजब नजारा। अरे भाई जहानी कैसा लग रहा है? उधर का नदी देख, वही तो नदी अभी क्रॉस किए थे, वही है नदी, ये नदी जो सामने। इधर का रोड सही है, नहीं तो उधर तो भाई रोड का तो आपको दिखाइए दिए थे। मे भी हम लोग जयराम में स्टॉप करें ना, शायद चलिए जाते हैं जयराम, पहुंचते फिर आप लोग को बताते हैं। आगे जो चल रहे हैं तो सब पता नहीं किधर चल रहे, अभी तक नजरे नहीं आ रहे हैं। फ्रेंड्स अपने लोग आ गए हैं जयराम के पास, जहाँ पे स्टे करेंगे। मे भी ये पुल क्रॉस करना पड़े, करना पड़ेगा ना, पार उस पर जाना है ना, पुल बड़ा लाजवाब है। देखिए कितना सेक्सी, पहले उस सब लोग को ढूंढना भी पड़ेगा। चलिए रास्ता में देखते चलते हैं, कहीं नजर आ जाए। एंट्री है पुल का, आप लोग को दिखा ही रहे हैं, देखिए ये पुल है लाजवाब। नेपाल ब्रिज है, इसका नाम है लटका नेपाल। उस साइड एक ब्रिज है भाई, सस्पेंशन ब्रिज,
ऐसा ब्रिज वाला वीडियो आप नहीं देखे जो राजगीर का सस्पेंशन ब्रिज है वहाँ का, अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, जाके सस्पेंशन ब्रिज वाला वीडियो देखे। ऐसा ब्रिज का ना बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत ज्यादा। और ये सामने का ब्रिज का नजारा, और इधर नदी हो गया, सामने से बस भी आ रहा, कोई मिल नहीं रहा हम लोग का जो भी पार्टनर थे। यहाँ अभी जयराम में रुके हुए, एक्चुअली बताए थे उस समय आप लोग को, हम लोग तो ब्रिज क्रॉस कर चुके थे जयराम वाला, तो वो सब जो भाई साहब हम लोग के साथ जो आए थे वो सब तो छूट गए थे ना, मतलब भुतला आ गए थे, छूट गए थे मतलब भुतला आ गए थे। हम लोग सोच रहे थे वो आगे चले गए थे, लेकिन एक्चुअली वो लोग पीछे ही थे, कहाँ से पीछे रह गए थे हम लोग को पता नहीं चला। ये भाई साहब के चक्कर में सब गड़बड़ाया, तेल लेने के लिए रुक गए थे, चक्कर में आगे पीछे हो गए हम लोग, ठीक है ना। तो वो ब्रिज जो क्रॉस किए थे वो ब्रिज से फिर पीछे आए तो ये सब नजर आए, सब मिल गए। उसके बाद होटल लिए, संजू होटल, इस होटल का नाम है जयराम, जगह का नाम है एक साल में 24 घंटा, नहीं ऐसा कोई सिस्टम नहीं है दोस्त। उसके बाद खाना उना हो गया, बहुत हरासमेंट हो गया, मतलब थकान हो गया था काफी, इसलिए हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। और उसके अलावा हम लिए एक चप्पल, आपको दिखाते हैं चप्पल, चप्पल गया इधर, ये देखिए नेपाली चप्पल ले लेकर कि जूता पहन के कितना देर रहते हैं। ये चप्पल 10 रुपया में दिया, 10 रुपया है भैया, हम उसको दिए 500 का नोट इंडियन, वो हमको घुरा दिया 750 रुपया नेपाली, ठीक है ना। ये हमको नेपाली पैसा पड़ गया, ये चप्पल का नेपाली 270 और इंडियन 168 रुपया, ठीक है, ऐसा सिस्टम है कुछ। तो चप्पल लिए, उसके बाद खाना उना खा लिए, आराम से आ गए। बिहार जैसा एकदम चटपटा वैसा यहाँ का खाना नहीं मिलेगा, सारा मिलेगा, हाँ, नॉर्मल प्लेन खाना, एकदम प्लेन, जितना भी खा लो हाँ, पेट नहीं खराब हो, हाँ, मतलब हरासमेंट बोल रहे, मतलब वो खराब ही नहीं करेगा जरा सा भी खाना यहाँ का जैसा है ना सिस्टम। तो ये सब हो गया, उसके बाद खाना पीना खा के अभी टाइम एक्चुअली हो रहा है 11 प्लस हो रहा है, 11:30 के आसपास। 2 बजे कितना टाइम हुआ भैया? 1 बजे है, 11 बजे 11 बजे हम सही बोले, 11 बजे 23:42 आप लोग कमेंट करके बताइए तो कितना बजा, 23:42 हुआ, ठीक है, कमेंट करके बताइए कितना हुआ। तो चलिए नेपाली टाइम, नेपाली मेरा भाई पेलू दास, नेपाली टाइम से क्या मतलब है दोस्त, टाइम टाइम होता है नेपाल में, 24 घंटा नहीं होता, 25 बजे। ये पेंट चाहिए जिसको भाई संपर्क करना, 15 रुपया का है। वो हम सब चप्पल लिए, ई पैंट लिया, ई पैंट लिए और उधर लिया भाई साहब, उस सब पैंट लिए हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक का सफर कैसा लगा, सिरहा से लेके यहाँ जयराम तक का, कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को रखते हैं इतना ही, रात्रि फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, इनसे बात कर लीजिए भैया। आप जब भी नेपाल आइएगा भैया, एक गोल वाला एक लंबा वाला होटल में खा लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा कमेंट करके। चलिए इस ब्लॉग को रखते हैं इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, सुबह उठते हैं फिर आगे का सफर आप लोग को दिखाते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।